नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। दर्श न्यूज में हम आपको खास आज एक रिपोर्ट दिखाएंगे। ये रिपोर्ट जो है ड्रैगन बोट से संबंधित है। ड्रैगन बोट एक ऐसा खेल है जो कि पूरे वैश्विक स्तर पर है, यानी पूरे वैश्विक स्तर के साथ साथ देश में भी इस ड्रैगन बोट को लोग जानने लगे हैं। हालांकि पहले जो है नौका विहार को लोग समझते थे कि ये जो है एक लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं, लेकिन ये जो प्रचलन है, ये प्रचलन आगे बढ़कर जो है ये खेल में तब्दील हो गया। और इस खेल में झारखंड में भी जो है कई खिलाड़ी इस खेल को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट है और आगे बढ़ाने के लिए वो कड़ी मेहनत और मशक्कत कर रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से कि यहाँ पर जो है खिलाड़ी हैं और यहाँ पर कोच भी हैं, सेक्रेटरी भी है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक खिलाड़ी है जिनसे हम बाद में परिचय कराएंगे। ये जो है देखिए, इस वक्त जो है हमारे साथ जो है झारखंड ड्रैगन बोट के सेक्रेटरी संतोष जी है। संतोष जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। संतोष जी, ये जो खेल है, ये खेल कितना महत्वपूर्ण रखता है, जबकि ये जो खेल हम आप देखते हैं कि क्रिकेट देखते हैं, हॉकी देखते हैं और कई तैराकी देखते हैं, लेकिन ड्रैगन बोट की जो है संभावनाएँ आप झारखंड में किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले मेरा नाम हुआ संतोष कुमार, मैं झारखंड का सेक्रेटरी हूँ सर। ये सर वाटर स्पोर्ट्स में एक गेम आता है सर, ड्रैगन बोट। उसका हम लोग यहाँ पे सर वाटर स्पोर्ट्स में हम लोग बहुत झारखंड में पीछे हैं। फिर हम लोग प्रयास से धीरे धीरे वाटर स्पोर्ट्स में भी ऊपर आने का कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल हम लोग अभी फिलहाल मेडल हम लोग पिछले नेशनल इसका होता है सर ड्रैगन बोट का, उसमें हम लोग सेकेंड जीते हैं 500 मीटर में, पुरुष और महिला में दोनों में जीते जी सर। और हम लोग चाहते हैं ये सर कि हम लोग के पास इतना साधन है, पानी से वो आपका तालाब है, आपका झील है, डैम है, इसमें हम लोग एक खेल का माने ये उजागर कर रहे हैं। खेल का जो भी होता है सर वाटर स्पोर्ट्स से रिलेटिव उस सब हम लोग खेल कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल सर अभी ड्रैगन बोट में हम लोग बेहतर कर रहे हैं, हम लोग से ये लड़का लोग का भी सहयोग है सर, हम लोग के ट्रेनिंग दे रहे हैं सर, उसके बाद बोट भी हम लोग को मिला है कुछ, और चाहते हैं कुछ अपेक्षा है टेक्निकल इम्प्रूवमेंट का, कुछ मिलेगा सर हम लोग को। ये सबसे बड़ी बात है कि सर जिस तरह से आप लोग अभी थोड़ी देर पहले जो है विजुअल के माध्यम से देख रहे थे कि चप्पू जो चला रहे थे, ये चप्पू चलाने में कितनी मेहनत लगती है सर? एक जस्ट ये वाटर स्पोर्ट्स में सर हाथ का बहुत पावर चाहिए, उसके लिए सर चप्पू है, हैंड में ताकत चाहिए, उस आप जिम करना होगा, कंटिन्यू प्रैक्टिस करना होगा, तभी जाकर हम लोग सर एक साथ में आगे आएंगे। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि एक साथ सभी तरह के लड़के लोग बैठे हुए हैं, कोई इस गांव का है, कुछ इस डिस्ट्रिक्ट का है। क्योंकि एक चप्पू की कीमत क्या होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि अमूमन जो है लकड़ी का एक चप्पू होता है जो कि गांव देहात में भी हम देखने को मिलता है कि वो चप्पू से जो है वो नाव चलाते हैं, लेकिन जो खेल में जो उपयोग होता है ये चप्पू कोई आम नहीं होता, ये खास होता है जो काफ़ी महंगा होता है। हम उसको भी हम आपको दिखाना चाहेंगे विजुअल के माध्यम से। देखिए ये है चप्पू, इसी से जो है नाव चलाई जाती है, और नाव जो है ये काफ़ी भारी है, देखा जाए तो इसका वज़न, सर ये वज़न कितना है इसका?
सर ये सर लकड़ी का, एक्चुअली में लकड़ी का होता है सर, हम लोग अपना बेसिकली ये प्रैक्टिस करने के लिए बना है, अपने से ही लकड़ी को करी करी, ये इसका 900 ग्राम करीब आसपास में वेट होता है। और ये जैसे देखिए सर, ये कार्बन का चप्पू है सर, इसको हम लोग इंडिया में सर मिलता नहीं है और इसका महंगा पड़ता है सर, इसका लमसम 25 के आसपास, 25,000 करीब में पड़ता है सर, और ये हम लोग लगभग 1,000 में बनाए, यही अंतर है सर। आज के दौर के में यही है सर कि कितना का सर ये 25,000 के आसपास में पड़ता है सर नया का। जी देखिए, ये बड़ी बात ये है कि ये लकड़ी का चप्पू है, ये सिर्फ 1,000 रुपया का है, और ये आप देख सकते हैं, ये जो चप्पू आप देख सकते हैं, ये जो है 25,000 रुपया का है, और ये जो है हल्का भी है, तो यानी ये चप्पू का ही कमाल है। जब नाव जब चलता है तो चप्पू का ही कमाल होता है, क्योंकि जितना हल्का हो उससे जो है खिलाड़ी को आसानी होती है नाव चलाने में। क्या सर? जी सर, ये होती है एक्चुअली में सर कि उसका वेट 900 ग्राम का होता है, ये करीब करीब आपको 70 ग्राम का आता है, पूरा का अंतर है सर। ये आपको पानी में इसका बहुत ही अच्छा रहता है सर, पानी के साथ मारने में, खास करके उसी के लिए बनता ही है सर। और हम लोग का है कि एक नाव एक, इसलिए हम लोग अपने से इसका एफर्ट मैंने पैसा नहीं खरीद पाएंगे सर, महंगा कोश्ती पड़ता है सर, इसलिए हम लोग अपेक्षा करते हैं कि सरकार से कुछ हम लोग को मदद मिल जाता था, और हम लोग वाटर स्पोर्ट्स में खास तौर पर झारखंड में हम लोग 1 से 2 साल में सर हम लोग वाटर स्पोर्ट्स में एक हब बनाते हैं नया झारखंड, ये दावा करते हैं सर हम। सर किस तरह की मदद चाहते हैं? किस तरह कुछ सर इम्प्रूवमेंट है, इक्विपमेंट सब उसी का मदद है, जैसे बोट हुआ सर, फाइबर बोट होता है सर, आपको ये कार्बन चप्पू पैडल वो हो गया सर। एक्चुअली में सर अभी हम लोग का ट्रेनिंग सेंटर केवल पतरातू में ही सीमित है सर, और हम लोग को अभी फिलहाल रुक्का डैम में, कांके डैम में, वहाँ पर लड़का लोग है सर, पर वहाँ पे खुद वो लोग कह रहे कि हम लोग को नाव दीजिए तभी प्रैक्टिस करेंगे। तो उस समय सुना आपने कि संतोष जी क्या कुछ कह रहे थे, ठीक है, तो उसके बाद जो है अन्य खिलाड़ी भी हैं यहाँ पर, महिला कोच है, महिला कोच पूजा कश्यप जी है। पूजा कश्यप जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। मैम ये बताइए कि जिस तरह से महिलाओं को पढ़ने लिखने का जो है कुछ सिखाया जाता है, या तो मतलब पढ़ाई में जो है वो अपना रुचि दिखाते हैं, खेल में भी रुचि दिखाते हैं, अन्य खेलों में देखा जाए तो हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया, या अन्य खेल, या तैराकी या तीरंदाजी, लेकिन इस खेल में क्या कुछ संभावनाएं नज़र आती हैं? सर देखा जाए तो अभी जो हमारे देश में क्रिकेट, हॉकी, ये सब बहुत ही पॉपुलर गेम्स है, अभी वाटर स्पोर्ट्स इतना पॉपुलर हुआ नहीं है, और जो भी गेम है उसमें जो भी जेंट्स है वो बहुत ही पॉपुलर हुए हैं, महिलाओं की इतनी भागीदारी भी है नहीं सर, लेकिन हम लोग का यही प्रयास है कि लड़कियाँ भी हर क्षेत्र में आगे बढ़ें और लड़कों के साथ कदम से कदम मिला के चलें सर। इसके लिए हम लोग का एक छोटा सा प्रयास है कि हम लड़कियों को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ और भी क्षेत्र में आगे बढ़ाएं। इसके लिए हम लोग इस पतरातू क्षेत्र में लड़कियों को ट्रेनिंग देने का कोशिश कर रहे हैं। कितनी लड़कियां हैं जो आप लोग? हमारी टीम में अभी 17-18 लड़कियां हैं सर। 17-18 जी, उनको हम लोग प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं और उन्हें हर तरह की बारीकी को सिखाते हैं, और ये आपको सुन के बहुत खुशी होगी सर कि रिसेंटली अभी पिछले साल एक नेशनल चैम्पियनशिप हुई थी मोतिहारी में, बिहार में, उसमें हमारी लड़कियों ने सिल्वर मेडल जीता है सर। जी, बिहार झारखंड सरकार के लिए, झारखंड राज्य। चलिए, झारखंड राज्य के लिए सिल्वर मेडल जो है लड़कियां जीती है, ये बहुत बड़ी बात है, और क्योंकि इस खेल में जो है लोग आना नहीं चाहते, लेकिन इस खेल में आगे बढ़कर लड़कियां अब सिल्वर मेडल तक पहुंच गई है, क्या उम्मीद लगता है कि मैम कि मतलब गोल्ड तक पहुँचेंगी? जी सर बिल्कुल, लड़कियों का हौसला बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक मैं सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारे लड़कियों के हौसले को देखते हुए अगर कुछ इक्विपमेंट्स और कुछ संसाधन को अगर बढ़ाया जाए, उनके लिए कुछ प्रोवाइड किया जाए, तो ये लड़कियाँ बहुत आगे जाएगी। इनफैक्ट लड़के भी हमारे बहुत अच्छे हैं, हमारी जो भी टीम है वो बहुत अच्छा एफर्ट लगा रही है हमारी, लेकिन हम लोग यहाँ एक चीज़ में चूक जाते हैं सर, हमारे पास उतने संसाधन हैं नहीं जितने कि हर स्टेट के लिए उस स्टेट की गवर्नमेंट अवेलेबल करवा रही है। तो मैं सरकार से यही दरख्वास्त करना चाहूँगी कि जो भी थोड़ा बहुत संसाधन की कमी हमारे लिए हो रही है, सरकार अगर थोड़ा सा
अपना ये ध्यान दे दे तो हमारे लड़के लड़कियाँ इस राज्य के लिए बहुत अच्छा कुछ कर सकती हैं, इस वाटर स्पोर्ट्स को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकती है। तो मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि सर प्लीज़ हमारे बच्चों के लिए थोड़ा सा भी अगर ध्यान दे दे सर तो बहुत आप लोग की मेहरबानी होगी सर। हालांकि हम आपको बता दें कि ये जो खिलाड़ी है ये आप बगल गांव से आते हैं। जी सर, थैंक यू। तो क्या लगता है कि आप लोग गांव के खिलाड़ी गांव में कुछ ऐसा सीखते हैं, यहाँ पर ऐसे मेहनत करना पड़ता है और सीखने में क्या कुछ लगता है कि सीख जाएंगे और नेशनल तक चले जाएंगे? जी उम्मीद है। जी सर, सर और मैडम के ये है आशीर्वाद कि हम लोग और आगे बढ़ें और अपने क्षेत्र से भी बोल रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट से भी बोल रहे हैं कि आइए और हम लोग को पार्टिसिपेट कीजिए वाटर स्पोर्ट में। पढ़ाई करते हैं? जी सर, पढ़ाई भी करते हैं। कौन सा क्लास? सर हम बीए हैं। बीए कर जी सर, देखिए बीए कर चुके हैं और इस खेल में भी अपना हाथ आजमाने के लिए तैयार है। यहाँ पर और एक युवा खिलाड़ी, आपका नाम बताइए। पवन कुमार। पवन, ये बताइए कि इस खेल में आपको क्या लगता है ये यही खेल क्यों किया? ये इसमें हर चीज़ जानकारी मिला सर, मैम अगर कोई इतना सहारा दे तो लगता है कि आगे बढ़ सकते हैं, पर सहारा ना मिले तो फिर लगता है कि यहीं रह जाएं, इसलिए चुने। तो बगल गांव से आते हैं? यस। कौन से गांव से? मिला नहीं लगता है गांव। अच्छा, तो चलिए ठीक है। देखिए युवा खिलाड़ी है, इनका जो है बहुत आत्मविश्वास है कि इस खेल में आगे बढ़ेंगे और इस खेल में आगे बढ़कर झारखंड का नाम रोशन करेंगे और देश में भी झारखंड को अपना पहचान देंगे। संतोष सर, आपसे एक और बात करना चाहेंगे, पर्याप्त संसाधन की कमी जो है बार बार जो है बातें उठ रही है, जितने भी खेल खिलाड़ी जो है यही कह रहे हैं कि पर्याप्त संसाधन की कमी है, तो किस तरह के पर्याप्त संसाधन जो है आपके पास उपलब्ध हो ताकि आप खेल को आगे बढ़ें? सर जैसे कि पहले बता चुके हैं सर कि हम लोग के पास जो अब हो गया है सर कि जैसा स्टैंडर्ड बढ़ चुका है सर, प्रैक्टिस के बाद शरीर जो थकान हो जाती है उसके बाद तो जाने का यहाँ से मन नहीं करता है। बहुत दूर है? बहुत दूर है, क्योंकि फिर बाइक चला के जाना और आना। आप कहाँ रहते हैं? जी मैं मांडल प्रखंड में रहता हूँ, एक छोटा सा गांव है ग्राम में, वहीं का। वो आस पास वहाँ डैम है? ये डैम तो ऐसा इस टाइप बड़ा नहीं है, कांके डैम है। तो वहाँ कुछ ऐसा, वहाँ अगर हमारे लिए सरकार वहाँ बोट का ये पाबंद कर दे तो हम वहाँ से थोड़ा नज़दीक हो जाएगा, तो प्रैक्टिस एक टाइम में हम दो टाइम करेंगे रेगुलर, तो उससे क्या होगा हमारा रिजल्ट और ही अच्छा निखरते जाएगा। तो वर्ल्ड में भी देखिएगा कि यहाँ बंदा का इनका राज्य में जो है इनका सरकार इनको बहुत ऊँचाई तक ले जा रहा है, वो सपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और जो हमारे खेल मंत्री हैं हफीजुल अंसारी जी वो हमारे बारे में बहुत सोचते हैं, खबर भी ये चीज़ वो लिख के दिए, लेकिन हमारे जो खेल डायरेक्टर थी ये सरोजनी लकड़ा वो अभी तो एक्सचेंज हो गई, तो हमारा जो मंत्री साहब लिख के दिए थे वो तो वहीं पे अटका हुआ है, जबकि अब हमको भी नेक्स्ट ये नेशनल के लिए तैयारी करना था, हमारे पास तो सुविधा है नहीं, तो तैयारी कहाँ से? देखिए नेशनल की तैयारी है और नेशनल की तैयारी के साथ साथ जो है जो खेल जो है आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे और इन्होंने सारी बातों को हमारे सामने रख दिया है और इन्होंने कह दिया है कि अगर सरकार इनकी अगर मदद करेगी, आर्थिक मदद करेगी, पर्याप्त संसाधनों की जो कमी है वो अगर करेगी तो इस खेल को आगे बढ़ाने में इनको कोई दिक्कत नहीं होगा, इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि जब ये मंत्री जी से मिले थे और उम्मीद भी जता रहे हैं कि इनकी मांगे पूरी होगी, अब देखने वाली बात होगी कि इनकी मांगे कब तक पूरी होती है, लेकिन जिस तरह से ये जी जान से मेहनत और लगन से इस खेल को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ये काबिले तारीफ है। 10 मिनट के लिए रांची से मैं मोहन कुमार।